नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। बीजेपी की दूसरी सूची के आने पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आना शुरू। बीती रात्रि भाजपा द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरी सूची जारी की गई है, जिसमें 7 लोकसभा सदस्यों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक पंडित मुकेश नायक द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश भाजपा सरकार जनहितैषी नीतियों पर खरी नहीं उतर पा रही है और उनके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, इसलिए वह चेहरे बदलने पर विवश है, परंतु चेहरे बदलने से परिणाम नहीं बदला करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि चाहे वह खाद्यान्न वितरण प्रणाली हो, मध्याह्न भोजन योजना हो, ग्राम स्तर में विद्युत वितरण व्यवस्था हो, सरकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, अवैध शराब बिक्री सहित अन्य जनहितैषी मुद्दों को लेकर पूर्व मंत्री द्वारा भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए इस बार पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही है। पवई से राम सिंह की रिपोर्ट। को लेकर जो हम लोग बात करते आए हैं वो बिल्कुल प्रमाणिक है। अपने केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारना, लोकसभा सदस्यों को विधानसभा में उतारना, इस बात का प्रमाण है कि प्रोडक्ट वही है, लेवल बदल दिया है और बीजेपी की चेहरे बदलने की पुरानी आदत है। कंटेंट बदलना चाहिए कि चेहरा बदलना चाहिए? मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की परफॉर्मेंस है उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह के कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा है। आप देखिए कि जितनी हितग्राही मूलक योजनाएं सब में बीजेपी असफल हो गई है। इनकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली चकनाचूर हो गई है, मध्याह्न भोजन में आंगनबाड़ियों में भयंकर किस्म का भ्रष्टाचार है अधिकारियों के स्तर पर। आप सोचिए कि 500 रुपए महीने मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिला को मिलता है, 500 रुपए महीने, और चार चार पांच पांच महीने मिलता ही नहीं। अब वहां जो बच्चों को खाना बनाने वाले लोग हैं उनसे आप गुणवत्ता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, क्वालिटी की? उन्हें कुछ आप दे ही नहीं रहे हैं। पर्याप्त आपके पास जो फूड मटेरियल है उसकी सप्लाई नहीं है। बिजली अगर देहातों में, अभी देखिए यहां बिजली नहीं है, इन्वर्टर चालू है, बिजली अगर देहात में फॉल्ट हो जाए 3-3 दिन ठीक नहीं होता, ट्रांसफार्मर अगर फेल हो जाए तो 2-2 महीने नहीं रखा जाता, 3-3, 4-4 महीने आइडेंटिफाई करके कि सुदूर ग्रामीण अंचल का वो एरिया जहां बहुत देखरेख नहीं होती है, उन एरियाज को आइडेंटिफाई करके और जहां सबसे ज्यादा गरीब आदमी रहते हैं वहां 3-3, 4-4 महीने का राशन ब्लैक कर दिया जाता है, बांटा नहीं जाता है। दफ्तरों में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, जनता के रूटीन के कोई काम नहीं होते। शराब इतनी का डिस्ट्रीब्यूशन, इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन शराब का इतना व्यवस्थित है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। 2 बजे रात को जिस गांव में दुकान नहीं है अगर कोई शराब चाहे तो 2 बजे रात में 1 मिनट में उपलब्ध है। शराब का वितरण इतना व्यवस्थित क्यों हो गया और नल जल योजनाएं क्यों बंद पड़ी हुई है? पानी का वितरण आप ठीक नहीं कर रहे लेकिन शराब का वितरण सबसे ज्यादा व्यवस्थित है। इस तरह की नापाक ये सरकार चल रही है और इसके चलते जो दूसरी लिस्ट बीजेपी ने निकाली है उसमें इन्होंने स्टेट लीडरशिप पर कोई भरोसा नहीं जताया है कि अब ये खा पी के इनका पेट भर गया है, अब इनको किनारे करो, दूसरे चेहरे सामने लाओ ताकि जनता की आंखों के ऊपर एक आवरण चढ़ाया जा सके। ये हो रहा मध्य प्रदेश में, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि चेहरे बदलने से बीजेपी के पाप धुलने वाले नहीं है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कितनी सीटें पार करेगी इस बार? देखिए, कोटि कोटि जनता के मन में क्या है ये बताने वाले हम कोई नहीं होते। हम तो विश्वास पूर्वक ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा है मैदानी स्तर पर वो बहुत सुदृढ़ है आज की तारीख में और वो पूरी शक्ति और क्षमताओं के साथ इस चुनाव में एक उत्प्रेरक समूह के रूप में सामने आएगा। और हमें पूरा भरोसा है कि 17 साल हो गए बीजेपी की सरकार बने हुए और अब जो परिवर्तन की भूख
जनता के बीच में दिखाई दे रही है तो कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी।